दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टमाटर खाने से क्या पथरी होती है, सच्चाई क्या है ये जानते हैं। दोस्तों किडनी की पथरी के लिए ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जिम्मेदार होते हैं और ये ऑक्सलेट क्रिस्टल्स 100 ग्राम टमाटर में 5 मिलीग्राम होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ज्यादा टमाटर खाने से पथरी हो जाती है। ऐसा मानने के पीछे वजह है टमाटर के बीज, क्योंकि इसमें ही ऑक्सलेट क्रिस्टल होते हैं। लेकिन दूसरी ओर टमाटर शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लोगों का मानना है कि टमाटर के बीज किडनी के लिए अच्छे नहीं होते हैं और इन्हें खाने से किडनी की पथरी हो जाती है, लेकिन क्या चिकित्सक भी ऐसा मानते हैं ये जानते हैं। चिकित्सकों के संदर्भ में अलग राय है। टमाटर हर मौसम में और हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। सब्जी, सलाद, चटनी, दाल, सॉस और बहुत सारे स्वादिष्ट खानों में टमाटर डालने से इनका स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप पथरी के डर से टमाटर खाना छोड़ चुके हैं तो जान लें, चिकित्सकों की माने तो किडनी की पथरी का टमाटर खाने से कोई संबंध नहीं है। टमाटर विश्व की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। अगर टमाटर खाने से किडनी की पथरी होती तो विश्व में सबसे ज्यादा रोगी किडनी की पथरी के होते। लोग ऐसा मानते क्यों हैं बताते हैं। टमाटर में ऑक्सलेट होता है और ऑक्सलेट ही वो तत्व है जो किडनी की पथरी के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि टमाटर खाने से किडनी की पथरी का खतरा होता है। चिकित्सकों के अनुसार टमाटर में ऑक्सलेट तो होता है मगर बहुत कम मात्रा में होता है। 100 ग्राम टमाटर में केवल 5 मिलीग्राम के लगभग ऑक्सलेट पाया जाता है। यहाँ तक कि जिन लोगों को किडनी की पथरी की समस्या होती है उन्हें भी चिकित्सक टमाटर कम खाने को कहते हैं, न कि पूरी तरह से बंद करने को। टमाटर विटामिन सी का अच्छा स्रोत होने के साथ साथ जैविक सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर का अच्छा स्रोत है। टमाटर में मौजूद तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और प्रोस्टेट कैंसर से भी शरीर की सुरक्षा करता है। सामान्य तौर पर टमाटर खाने से आपको किसी तरह के रोग का खतरा नहीं होता है। हाँ, अगर आप टमाटर के शौकीन हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो इसके बीजों को निकालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पहले पथरी की समस्या हो चुकी है या अल्ट्रासाउंड में बहुत छोटी पथरी की आशंका जताई गई है तो आपको टमाटर, बैंगन और मिर्च का सेवन कम कर देना चाहिए। आप बीज निकालकर टमाटर का प्रयोग थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आप लगातार पाएं और वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों के मन में जो टमाटर के प्रति धारणा है वो बदल सके। धन्यवाद।